केंद्र सरकार ने लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों नूं प्रति महीने 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज मुहैया करवाउण लई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नूं होर 5 सालां लई वधा दित्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी विच बीते दिनें हुई मंत्रिमंडल की बैठक विच इस संबंधी फैसला लिया गया सी। यह जानकारी देंदे हुए सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं 1 जनवरी 2024 तो होर 5 सालां लई वधा दिता गया है। इस स्कीम नूं आखिरी बार 31 दिसंबर 2023 तक वधाया गया सी। मंत्री ने कहा है कि अगले 5 सालां दौरान इस योजना ते लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह से ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रतिमाह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपये का खर्च भारत सरकार